तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहले खबर आ रही है मुंबई के आइकॉनिक डबल डेकर बसेस से रिलेटेड, जो कि फाइनली अब इनकी सर्विसेज देना बंद कर चुकी है कल से ही। है कि मुंबई के अंदर अब डबल डेकर बसेस चलना पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। मल्टीपल स्विच मोबिलिटी अशोक लेलैंड की जो है एसी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बसेस मुंबई के अंदर ऑलरेडी चल रही थी, जिसके अंतर्गत अब ये रिप्लेसमेंट हो रहा है। मोर देन 800 एसी बसेस इन ऑर्डर है, तो यहां पर जल्दी हमें जो है मुंबई के अंदर की सारी पुरानी बसेस जो खत्म हो चुकी है वो रिप्लेस होते हुए नजर आएगी इन नए डबल डेकर एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो फिर से डबल डेकर बसेस से रिलेटेड, इनफैक्ट ये जो डबल डेकर बस मैंने कही अभी रिप्लेस होकर आ रही है वही डबल डेकर बस से रिलेटेड, लेकिन यहां पर अब ये शुरू हुई है नागपुर के अंदर। तो जो नितिन गडकरी जी है हमारे मिनिस्टर, इन्होंने ये बस को इनॉग्रेट किया है नागपुर के अंदर कल, और यहां पर स्पेसिफिकली वैसे उन्होंने कहा कि सीनियर सिटीजन को देखते हुए इस बसेस को लोगों के लिए इनॉग्रेट किया गया है। तो नागपुर में भी बहुत लंबे समय से जो है कोई डबल डेकर बस नहीं चल रही। देश के वैसे कई ऐसे शहर है जहाँ पर अभी पिछले कई दशकों से डबल डेकर बस चली नहीं थी, लेकिन कोलकाता इनफैक्ट दिल्ली वगैरह भी इसके बारे में अब कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर नागपुर भी एक ऐसे शहर बन गया है जहाँ पर वहीं पर अब डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसेस भी चलना शुरू हुई है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बालासोर से, जहाँ पर रेलवे स्टेशन के अंदर एक नया सबवे बनाने के लिए 14.7 करोड़ रुपये सैंक्शन किए गए हैं। तो बेसिकली ये जो सबवे है ये नीनी पांडा ब्रिज से बालासोर के लिए होगा, और ये एक इंपॉर्टेंट ब्रिज है जो कि हल्दीपाड़ा बालासोर सेक्शन के अंदर आता है और खड़गपुर भद्रक सेक्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पर लोकल लोग जो कम्यूट करते हैं व्हीकल्स के लिए, व्हीकल्स के साथ और पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक भी, दोनों को इस वजह से मदद मिलेगी। अगली खबर दोस्तों महाराष्ट्र के कुछ पिछले इलाकों से आ रही है, जहाँ पर बात हम कर रहे हैं बीड डिस्ट्रिक्ट की, और यहाँ पर अप्रूवल आ गया है एक नया कृषि भवन बनाने के लिए। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो है महाराष्ट्र की, उन्होंने ये डिसीजन लिया, और इसके वजह से जो बीड डिस्ट्रिक्ट के अंदर फार्मर्स है, जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी अपनी सारी चीज़ें करवाने के लिए। यहाँ पर वैसे दोस्तों बहुत लंबे समय से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट थी एक कृषि भवन बनाने के लिए और एक सप्लीमेंट्री साइट बनाने के लिए इसके लिए। तो यहाँ पर ये अभी अप्रूव हो गया है, 14 करोड़ 90 लाख रुपीस इसके लिए स्पेंड किए जाएंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे मुंबई से, जहां के जो म्युनिसिपल कमिश्नर है उन्होंने ग्रांट कर दिया है अप्रूवल ब्रिज डिपार्टमेंट का सांता क्रूज चेंबूर रिंग रोड को एक्सटेंड करने के लिए, और ये एक्सटेंड जाकर जाएगा लाल बहादुर शास्त्री मार्ग या LBS मार्ग तक। ये बेसिकली दोस्तों ईस्टर्न मुंबई के अपर साइड में आने वाला एक रोड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर 5 कमर्शियल स्ट्रक्चर्स को बनाना पड़ेगा यहाँ पर इस रोड को इसको जोड़ने के लिए। तो इसकी वजह से MMRDA अभी वैसे काम करेगी यहाँ पर दोस्तों। जो सांता क्रूज चेंबूर लिंक रोड है ये मल्टीपल अभी इंपॉर्टेंट रोड्स को कनेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से ये कनेक्शन भी आगे जाके क्रूशल बनेगा और जो ट्रैफिक फ्लो है इसकी वजह से और थोड़ा बेहतर बन पाएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है स्टेट कैबिनेट से रिलेटेड उड़ीसा के, जिन्होंने इंप्रूवमेंट टू टैंक्स एंड MIPs डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स के अंतर्गत, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2023 से लेकर 2026 तक 248 करोड़ रुपीज का इन्होंने आउटले रखा है 16,400 हेक्टर्स ऑफ लैंड को रिनोवेट करने के लिए। और यहाँ पर बेसिकली इसका मतलब यह है कि 503 माइनर इरीग्रेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जाएंगे, यानी जमीन को जो है सिंचाई करने का काम यहाँ पर होने वाला है क्या। तो अभी कह सकते हो छोटे टैंक्स बनाना, रिजर्वॉयर्स बनाना, इसका काम यहाँ पर मेजरली होगा, जिसकी वजह से फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है फिर से उड़ीसा से, जहाँ पर कैबिनेट अप्रूवल मिल गया है एक नए लॉ को इनेक्ट करने के लिए, और ये NIST को अपग्रेड करने का एक लॉ है। बेसिकली ये भेरामपुर का जो कॉलेज है उसको एक नॉन एफिलेटिंग यूनिटरी यूनिवर्सिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, इसकी वजह से जो एम्प्लॉयबिलिटी होगी यहाँ से पास आउट होने वाले यूथ्स की वो काफ़ी अच्छी होगी, और यहाँ पे स्पेशलाइज स्किल ट्रेनिंग का काम होता है, एंटरप्रेन्योर ट्रेनिंग होती है, जिसकी वजह से ये काफ़ी आप कह सकते हो रेयर जो इंडिया के अंदर पढ़ाई का एक कैटेगरी होता है वो यहाँ पर लोगों को मिल पाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे गतिशक्ति मिशन से रिलेटेड, जहाँ पर और 106 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है जिनकी टोटल वैल्यू 11 लाख करोड़ रुपीज़ है उनको रिकमेंड किया गया है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस फिस्कल ईयर के अंदर। तो यहाँ पर ऑफिशियल डेटा जो है थर्सडे को रिलीज हुआ, जहाँ पर इसके बारे में बात की गई। अब दोस्तों यहाँ पर पूरी लिस्ट तो मैं नहीं बताऊंगा आपको क्या प्रोजेक्ट्स है, लेकिन मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स है और इनफैक्ट जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंतर्गत के है। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स भी गतिशक्ति के अंतर्गत आएंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, जिन्होंने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है एक हाइड्रोफ्लो एंटी फ्लाउलिंग टेक्नोलॉजी इनके मेट्रो स्टेशन कॉरिडोर के अंदर। तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ एयर प्योरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, इसकी वजह से जो है क्लीनर हवा जो एनवायरनमेंट के अंदर तो होगी, लेकिन साथ साथ ये जो
स्टेशन है इनके अंदर पैसेंजर कंफर्ट भी बढ़ेगा और इसके साथ साथ ऑपरेशनल कॉस्ट भी रिड्यूस होंगे। यहाँ पर दोस्तों जो टेक्नोलॉजी है वो हाइड्रोफ्लो की इंस्टॉल की गई है फिलहाल कॉरपोरेशन के द्वारा और ये बेसिकली एक इंडियन कंपनी है जो वैसे हाइड्रोपर टेक्नोलॉजी की इंडियन रिप्रेजेंटेटिव है जो यूके बेस्ड टेक्नोलॉजी है और यहाँ पर मॉडल P190 का इस्तेमाल किया गया है इस सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो चेन्नई मेट्रो से रिलेटेड, जहाँ पर 4,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने दे दिए हैं 12 फुल अंडरग्राउंड स्टेशन बनाने के लिए और 4 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन वर्क के लिए, जिनमें काम जो है वो डायफ्राम वॉल का भी होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है ये यहाँ पर दिया गया है। चेन्नई मेट्रो जो है वन ऑफ द मोस्ट बड़े लेवल पे एक्सपांड होने वाली मेट्रो है हमारे देश के अंदर की और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका बहुत छोटा हिस्सा है। आज के आसपीटी सवाल के बारे में बात करें, एएम जीवा पूछते हैं व्हाई इंडियन रेलवेज इजंट ओपनिंग टू प्राइवेट कंपनीज एंड प्राइवेट रेलवे। तो देखो यार, ये हम सीधा तो नहीं बोल सकते कि प्राइवेट कंपनीज को इंडियन रेलवे एंटर नहीं करने दे रही है। आज के डेट में रेलवे के कई सेक्टर्स या फील्ड ऐसे है जहां पर प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है और इनफैक्ट जो रोलिंग स्टॉक होता है ट्रेन बनाने का काम उसके लिए भी बहुत सारा काम जो है वो प्राइवेट कंपनीज को दिया गया है, टीटा का डैशम जैसे। तो यहां पर वो तो हम नहीं बोल सकते कि रेलवे के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट अपनी अब मोनोपोली बना रखी है। हालांकि ट्रेन चलाने की जब बात आती है या प्राइवेटली रेंट ट्रेन को ऑपरेट करने की बात हो रही है, गवर्नमेंट जो है बहुत प्रयास कर रही थी लेकिन कुछ दिक्कतें आ रही है, प्रॉफिटेबली रूट चल नहीं पा रहे। उसके बाद में टूरिज्म रूट जो है भारत गौरव ट्रेन हो गई, कुछ जो है स्पेशलाइज ट्रेन हो गई, वो चलाने की कोशिश हुई थी रेलवे के द्वारा जो कंपनीज पूरा स्टार्टिंग टू एंडिंग ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी रेलवे ने दिक्कतें फेस की है प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। करेंटली इंडियन रेलवे के अंदर जो सिनेरियो है, हमारे पे किराया इतना कम है, रेलवे के अंदर इस्तेमाल जो लोग करते हैं ट्रेन्स का वो कहीं ना कहीं पर बहुत अलग चीज़ों से यूज टू है, उसके अंदर अपने ट्रेन्स को इंडियन रेलवे सिस्टम में इंटीग्रेट करना बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से प्राइवेट ट्रेन चलाना इंडिया के अंदर आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। प्रोबेबली फ्यूचर में जाकर किसी स्पेसिफिक लाइन के अंदर अरेंजमेंट कर दी जा सकती है, लेकिन अभी हम शायद से और देरी देखेंगे कोई एक्चुअली कंप्लीटली प्राइवेट ट्रेन चलने के लिए जो कि नॉर्मल शेड्यूल पैसेंजर ट्रेन हो, ना कि कोई ऐसे स्पेशल ट्रेन या कोई टूरिस्ट ट्रेन वगैरह। एट द सेम टाइम चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, केटरिंग हो, कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ हो या इनफैक्ट टिकटिंग वगैरह जैसी चीज़ें भी हो, हालांकि रेलवेज़ के यहाँ पे बीच में अपने खुद के बीच में एजेंट्स घुस ही जाते हैं, लेकिन उसके आगे जो है कहीं ना कहीं पर गवर्नमेंट आज़ादी देती है प्राइवेट कंपनीज़ को यहाँ पर अपने आप से कम्पीट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कुछ सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।